एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज है भाई दूज, तो आप सबको हैप्पी भाई दूज। तो मैं भी नहा धोकर पूजा मैंने कर लिया है, तो सोचा मैं अपना ब्लॉग का स्टार्ट भी कर देती हूँ। तो सुबह से थोड़ी लेट हो गई, अभी 10 बज रहे हैं और मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया क्योंकि मम्मी पापा तो है नहीं। पूजा तो मैं डेली नहीं करती, माँ ही घर वाली डेली वाली पूजा करती है, तो माँ आज है नहीं। तो सुबह से झाड़ू पोछा ये सब करने में, और ठंड का दिन है ना, थोड़ी थोड़ी सुबह में उठने में आलस आता है, ठंड लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया मैं काम करते करते। और हस्बैंड अभी गए हैं हमारे गांव जहाँ पे मेरी दो नंदे हैं, तो चाचा जी की, दोनों चाचा जी की दो बेटियाँ हैं, हस्बैंड दो भाई हैं, उनकी अपनी बहन कोई नहीं है, चाचा जी की दो बेटियाँ हैं, तो वो उनसे भाई फोटा लेने के गए हैं। हमारे यहाँ भाई फोटा बोलते हैं जो बंगाली में होता है ना, वही, तो वो गए हैं, तो वो आते हैं। और मैं अभी पूजा वूजा करके चाय चढ़ा कर आई हूँ कि नहाने के बाद, ठंड के दिनों में ना नहाने के बाद चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा के गई थी, चाय मिल हो चुकी है, तो चाय पीऊँगी अभी। और हस्बैंड तो नाश्ता वहीं करके आएंगे क्योंकि वही बनाए हम घर का नाश्ता, और मैं नहीं गई क्योंकि सुबह से काम रहते हैं इसलिए, और अभी अभी होमवर्क कर रहा है, तो पहले मैं चाय पीऊँगी फिर उसके बाद कुछ नाश्ता करूँगी, है। और मम्मी पापा भी गए हैं, पापा सॉरी दिख नहीं रहे इधर से, हाँ पापा गए हैं अपनी बहन के यहाँ, और माँ गई हैं अपने भाई के यहाँ, मतलब मामा ससुर और फुआ सास के यहाँ। तो वो आज फुआ सास के यहाँ से फिर मामा मामा जी के घर जाएंगी, माँ लोग, माँ पापा, फिर उसके बाद दोपहर में, दोपहर तक आ भी जाएंगी। मेरे मायके में मतलब भाई फोटा नहीं होता, भाई दूज के नाम पे बनती है, पर मैं नहीं गई, मैं मायके कल जाऊंगी, मुझे मायके कल जाना है, और उसकी पैकिंग वगैरह भी मुझे करनी है, कुछ कपड़े प्रेस करने हैं मुझे, वो सब करूँगी। तो आज सारा दिन थोड़ा बिजी रहूँगी, और शाम के टाइम में फिर मेला आप लोगों को घुमाने के लिए ले जाऊँगी। हमारे गांव में आज माँ काली का विसर्जन होता है, और यहाँ पास में भी रघुनाथपुर मोड़ है, वहाँ भी होती है माँ काली की विसर्जन, तो मैं शाम को आप लोगों को लेके जाऊँगी, ठीक है? तो ठीक है, तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, और मेरे और हस्बैंड और अबीर के लिए बना रही हूँ। मम्मी पापा लोग मतलब खा के आएंगे मामा जी के घर से, वो लोग 3-4 बजे तक आ जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि लंच मत बनाना, तो क्योंकि हम लोग खा के आएंगे मामा जी बोलो मामा जी के घर से। तो अभी मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ और आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो हम दो ही हैं, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ आलू फूल गोभी की सब्ज़ी और उधर चावल पकड़ी है, बस सिंपल सा लंच है और बस यही है। तो चलिए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं सब्ज़ी को। यहाँ पे मेरी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है, बस इसमें जो फूल गोभी और आलू मैंने फ्राई करके रखा था इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और इनको भी थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ मैं फ्राई करूँगी बस, और उसमें पानी डाल दूँगी, और जब अच्छे से ये पक जाएंगे तो मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी, तो ठीक है। और उसके बाद जो है डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे रात में मिल रही हूँ, दोपहर का लंच बना रही थी तब, और डायरेक्ट यहाँ रात हो चुकी, और हमारे यहाँ गांव में माँ काली का आज विसर्जन है, तो उसके लिए मैं रेडी हुई हूँ। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये मंगलसूत्र, और ये बड़े वाली ईयरिंग्स पहनी है, तो मैं यहाँ आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ कि इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ठीक है। और इसके बाद हम लोग सब निकल चुके हैं गाड़ी से, तो यहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो यहाँ हमारे गांव का रास्ता है, और उसके बाद हम यहाँ जो हमारे गांव का मंदिर है हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर माँ को मैं सिंदूर लगा रही हूँ, और यहाँ पे मिठाई वगैरह मतलब खिलाया जाता है, तो
यहीं पे है सिंदूर में लगा रही हूँ माँ काली का, क्योंकि विसर्जन के पहले ये सब किया जाता है। तो हमारे गांव में ही विसर्जन होती है, तो यहाँ पे टेबल पे चढ़ना था, तो माँ ने, माँ करती हैं वैसे, तो माँ ने बोला कि तुम ही कर दो, मैं टेबल पर नहीं चढ़ पाऊँगी। तो इसलिए तो बस मैंने माँ को सिंदूर लगाया, और यहाँ पे धान, दुब्बा घास ये सब अर्पित किया जाता है, और मिठाई, जल ये सब मतलब खिलाया जाता है। तो बस ये पे हो चुकी है, और मैं माँ को अच्छे से प्रणाम कर लेती हूँ, और जो मन की इच्छा है, मनोकामना है, माँ ने, माँ को बोल दिया है। तो चलिए, तो गांव में जितने भी लेडीज़ होती हैं सब मतलब माँ को सिंदूर लगाती हैं, और इसके बाद फिर सबको एक दूसरे को सिंदूर भी लगाया जाता है, तो वो वीडियो आप आगे देखोगे। तो यहाँ पे ना जो बतासा होता है, ये प्रसाद होता है, वे मतलब वो सब मतलब क्या हमारे यहाँ छड़ाना बोलते हैं, मतलब प्रसाद छड़ाना बोलते हैं, ये सब सबको दिया जाता है, और सब लेते हैं प्रसाद। देखिए, आप देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर से वही सिंदूर खेला बोल सकते हो आप, एक तरह से सब जितने सुहागिन होती हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो मैंने सबको बोला था कि आप सिंदूर लगा दो, मेरे गाल वगैरह से मत लगाना, क्योंकि मुझे मेला भी जाना है, पर सबने माना नहीं, बोला नहीं लगा दो। और उसके बाद एक बार पहले मैं आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी लेडी थी उन्होंने माँ की, माँ काली की परिक्रमा करी, और उसके बाद अब जितने भी जेंट्स हैं सब परिक्रमा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर विसर्जन की तैयारियाँ की जाएंगी। तो ये सब मतलब तैयारियां विसर्जन करने में अभी तो आधे घंटे हो गए थे, अभी बहुत कुछ करना था, उसके बाद विसर्जन होती है। तो मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा गाल वगैरह मतलब जो है साफ करी थी, कि मेला जाना है, कहीं और मेला लगेगा वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगी। तो यहाँ देखिए, हम सब निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं हम मेला जाने के लिए। तो हमारे घर से पास में ही थोड़े मतलब 2 किलोमीटर के में ही दूरी में ही मेला लगती है, बहुत बड़ी मेला लगी थी, तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ हम मेला पहुँच चुके हैं, तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आते ही हम थोड़ा सा खाने लगे थे, तो यहाँ पे ना डीम घुघनी फेमस है, मतलब अंडा और मटर के जो छोले छोले होते हैं ना, बहुत बिकते हैं मेला में, तो यहीं पे हम लेके चुके हैं। तो मैं वैसे अंडा नहीं खाती हूँ, मैंने लिया। और यहाँ पे अबीर शुरू हो चुका है, वो अपने खिलौने लेने की तैयारी में। दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो माँ काली के आप लोग यहाँ दर्शन कीजिए। तो ये हम नज़दीक में मैं नहीं जा पाई, क्योंकि सभी वहाँ पे सेल्फी वगैरह ये सब ले रहे हैं, आप देख ही सकते हो। तो मैंने दूर से ही आपको माँ काली का दर्शन करा दिया। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खड़े थे, मेला वगैरह देख रहे थे, देख ही सकते हो। अब मेला में आपको दिखा देती हूँ दूर से ही, इतना तो हम लोग राउंड नहीं घूमे थे, तो मैं वीडियो में ही आप लोग को दिखा देती हूँ कितनी बड़ी मेला लगी थी। और हमारे तरफ का सबसे बड़ा मेला यही है बोला जाए तो, गांव में इतनी बड़ी मेला लगना मतलब बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद हम थोड़ा सा रुके थे, क्योंकि वहाँ आतिशबाजी की जाती है, मतलब बम फटाके ये सब फोड़े जाते हैं, तो यही मैं आपको दिखाने के लिए रही थी। तो अंधेरा था ना, तो अच्छे से वीडियो मतलब नहीं बन पा रही थी, तो दूर में ही थी, तो जितना भी बन सका मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मतलब आतिशबाजी देखने में, अभी देख ही सकते हो। तो फाइनली हम यहाँ निकल रहे हैं, आतिशबाजी हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ तो मैं बिल्कुल पागल की तरह लग रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बालों का मतलब बैंड बज चुकी है। तो बस यहाँ हम निकल चुके हैं, और मैं लास्ट में आप लोगों को चारों तरफ मैं दिखा देती हूँ। तो बस अब हम घर जाएंगे, क्योंकि मुझे तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर न्यू देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, गुड नाइट।